मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोगों को रिवीजन जो चाहिए था वो जो पिछली क्लास में था, वाज दैट सफिशिएंट या फिर आगे और आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए उस चीज की? क्योंकि उसी की फाउंडेशन पे लेके आपको मैंने आगे चलना है. एंड द टॉपिक दैट आई हैव टू लाइक टीच यू इन दिस टर्म इज सर्कल प्रॉपर्टीज एंड इट्स रिलेटेड पास्ट ओवर क्वेश्चंस. तो अब ये बताइए कि क्या है, पिछले रिवाइज करवाना है? क्योंकि आप लोगों का मतलब जो इश्यूज थे वो मैंने काफी हद तक रिजॉल्व कर लिए थे, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को रिवीजन की थोड़ी सी और जरूरत है. व्हाट डू यू गाइस हैव टू से अबाउट दिस? Anyone can speak about it. कोई मसला नहीं है सर. किसी को कुछ कहना है? हेलो, किसी को कुछ कहना है भाई? जी अजमीर, आप बोलिए. जी अजमेर, आई कैन नॉट हियर यू अजमेर. आप बोल तो रहे, दिख तो रहे, लेकिन आई कैन नॉट हियर यू. अजमीर, आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि माइक दिख रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही. अच्छा उवैस, आप बताइए कि क्या आपको लोगों को जरूरत है और रिवीजन की, जो रिवीजन हम लोग कर रहे थे पिछला. उवैस, आपकी भी आवाज नहीं आ रही. I cannot hear you. Is okay, my internet connection is all right, perfectly fine. Okay, this is showing me my internet is working properly. So yeah, I am using my mobile phone data. So usme to ye sahi dikha raha hai. OS, I cannot hear you. Guys, can you hear me? एक सेकेंड. आप लोग को आवाज आ रही है? गाइस रिस्पॉन्ड. आप लोग चैट पे जो है वो यस या नो करके भेजे हैं. आप लोग को आवाज आ रही है गाइस? कैन यू हियर मी? जल्दी बताइए ताकि. बाकी लोग कहाँ पर हैं भाई? अच्छा देखिए, एज पार्ट ऑफ योर होमवर्क, सही है. आज अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा होमवर्क क्या है. सही है. अच्छा क्यों
होमवर्क आपका है ये कि पहली पहली चीज आपने ये करनी है कि आपने रिवीजन करना है ऑफ ग्रेड 10, सही है? एंड आई मीन इट इन अ कंप्लीट मैनर, के कंप्लीट जो मैंने सब कुछ पढ़ाया है, सही? दूसरा आप लोगों को ये करना है दूसरा आप लोगों को ये करना है कि उसके जो रिवाइज्ड टॉपिक्स है, सही, टू क्वेश्चंस ऑन पेपर टू मेक यू अंडरस्टैंड कि भाई आपने पास्ट पेपर स्टाइल के क्वेश्चंस किस तरह कर लिए हैं, या कितने हो रहे हैं, या कितने समझ में आ रहे हैं, सही है? नाउ इन लेवल 2 ऑफ द होमवर्क यू हैव टू मेक श्योर के यू आर अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर, सही है? एंड देन सेकेंड थिंग इज के आर एबल टू सॉल्व देम एज। अब इसमें से कंडीशन आएंगी 2, उसमें होगा ये कि यू विल हैव टू मेक श्योर के दैट यू नो ऑल, सही है? नो सम एंड देन नो नथिंग, सही है? देखो, अब नो ऑल का मतलब ये है कि आपने उस टॉपिक का सब कुछ समझ लिया, सही? आपको क्वेश्चंस भी हो गए आपसे, आपने इनके सारों के पास्ट वर्क के टॉपिक्स भी कर लिए, थोड़ा सा रिवीजन जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास का दिया हुआ है बुक में वो भी आपने कर लिया, सही? और आपने उसकी रिवीजन के साथ साथ आपने ये भी समझ लिया कि ये टॉपिक कितने मार्क्स का आता है और कितने ही क्वेश्चंस रिक्वायर्ड है पेपर 1 के और पेपर 2 के हिसाब से। रोव पेपर एक एप्लीकेशन है, आई टेल यू दिस ओवर हियर। रोव पेपर से एक एप्लीकेशन है जो आपको पास्ट पेपर्स क्वेश्चंस देता है, सही है? अब उसके अंदर आपने करना ही होता है कि अच्छा, दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ एंड्रॉयड एंड iOS, सही है? तो उसके अंदर आपने करना ही होता है कि आपने चेक करना होता है कि भाई आपने क्वेश्चन जो कर रहे हैं, अच्छा उसके अंदर मार्किंग स्कीम भी होती है, राइट? तो जो टॉपिक्स मैंने पिछले कराए हुए हैं तो आपने करना ही होता है कि आपने ओ लेवल्स पे गए, सही है? देयर आर लाइक 3 कैटेगरीज, IGCSE, ए लेवल्स एंड ओ लेवल्स। यू गो टू ओ लेवल्स, यू गो टू मैथ एंड देन यू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर वाइज। बट व्हाट यू हैव टू डू इज यू गो टू O levels, then you go to create my paper, सही, and then you select the topics, सही है, from a list of topics, then it is going to pop up to something which is called a bunch of क्वेश्चंस, सही है? देन यू सॉल्व देम, और उसके बाद फिर क्वेरीज हम डिस्कस कर लेंगे। सही, तो आई होप अभी आपको ये समझ में आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
और ये क्या है, सारी बातें सही है। तो इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये जो टॉपिक है, देखें सबसे पहले आपने काम ये करना है कि रिवीजन करना है आपने, सही है, ग्रेड 10 का। उसके बाद आपने उसकी टॉपिक्स को रिवाइज करना है, क्वेश्चन करना है रो पेपर में। अब रो पेपर की सारी चीजें थी मैंने यहाँ पे लिख दी, सही। उसके बाद आपने देखना है कि आपने करना है क्या है ना, रो पेपर के थ्रू आपने करना है अंडरस्टैंडिंग टॉपिक अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर्स, कि आपने पास्ट पेपर के हिसाब से टॉपिक को समझना है। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूँ आपसे या परसेंटेजेस की बात करूँ, तो परसेंटेजेस में किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सारे टाइप्स मैंने आपको क्लासेस में सिखाए हुए हैं। अब उसी की आप हल्की फुल्की रिविजन करें, जो मैंने पिछली क्लास में भी करवाई थी वो भी आप करें। उसके बाद आप उस टॉपिक को समझ लेंगे, सही है। अब उसके पास्ट पेपर जब आप करेंगे तो फिर आप अंडरस्टैंडिंग अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर वाली चीज करेंगे, ठीक। जब आप वो कर लेंगे तो फिर आप उसको सॉल्व करेंगे देखने के लिए कि आप सॉल्व कर भी सकते हैं नहीं कर सकते। उसमें अब दो कंडीशन आ गई, या तो आप सॉल्व कर लेंगे या तो आप नहीं सॉल्व कर लेंगे या आप कुछ सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे वर्स्ट सिनेरियो ये है कि यू नो नथिंग, राइट, या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैंने करना है नहीं करना, क्या समझ में नहीं आ रहा ये टॉपिक है तो क्या है। उसमें आपको इंश्योर करना है कि आपने थोड़ा बहुत आता है, सब कुछ आ रहा है या फिर कुछ भी नहीं आ रहा, सही। तो इफ यू नो नथिंग इट्स इन द मोस्ट ट्रबल्ड सिचुएशन, सही है। इफ यू नो सम दैट्स परफेक्टली फाइन, इफ यू नो ऑल दैट इज एक्सलेंट, सही। अब अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है, ठीक, तो फिर आप बहुत अच्छे कंडीशन में हैं, रिगार्डलेस के आप क्वारंटीन में थे और अभी लॉकडाउन चल रहा है विच इज अ वेरी अनफॉरसीन सिचुएशन। लेकिन आपने ये भी देख लेना होता है कि आप किस सिचुएशन के हिसाब से किस स्टैंडिंग पे लाए कर रहे हैं, ठीक। तो आज का जो क्लास का मकसद ये है कि आपका टेक होम मैसेज ये होना चाहिए कि आपने होमवर्क पे किस तरह से अपना आपके साथ वर्कआउट करना है, सही है। अब होगा इसमें ये कि आपने जितने भी क्वेश्चंस हैं या जितनी भी क्वेरीज हैं आप, सही, वो आप जो मेरा 3 to 4 का स्लॉट है, फ्री स्लॉट, अगर उसमें कोई क्वेरीज वगैरह है तो वो आप डिस्कस कर लें। 3 to 4 PM जो होता है एवरी डे मेरा फ्री स्लॉट होता है उसके अंदर। तो फॉर दैट मैटर आई एम हियर फॉर योर क्वेश्चंस एंड ऑल, तो फिर आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं क्वेश्चंस। अच्छा, अब क्वेश्चंस करने का तरीका क्या है भाई, द प्रोग्रेस हैज टू बी सेल्फ पेस्ड। सेल्फ पेस्ड मतलब कि आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप 25 सवाल सॉल्व करें, बट ये जो होमवर्क डिजाइन करा मैंने आपके लिए वो आप करें, क्या करें, रिविजन करें, सही है, उस टॉपिक को समझें। एक तो पहली बात एक जनरल रिविजन करें ना, नोट्स देख लेंगे, अच्छा क्या लिखा था, क्या था हमने पिछली क्लास में, क्या किया था, ये किस तरह से चल रही थी कहानी, सही है। दैट्स ऑल यू हैव टू डू फॉर द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में ये है कि आपने वो टॉपिक रिवाइज करना है, सही है, स्पेसिफिक टॉपिक, सही, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम से आपके मिड ईयर से पहले मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स दोबारा से रिवाइज करवाए थे, बिकॉज दे वर पार्ट ऑफ P1 एंड देन यू गाइस हैव लाइक क्वाइट अ लॉट ऑफ इश्यूज विद दोस, सही है। आपने ये करना है कि आपने वो टॉपिक रिवाइज करने हैं, उनके क्वेश्चंस करने हैं रो पेपर पे। उसके बाद आपने ये चेक करना है कि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो टॉपिक के क्वेश्चंस की डिमांड है वो मैच कर रही है मेरी अंडरस्टैंडिंग से या नहीं, या मैं तो सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री में समझता हुआ आया हूँ और ये जो है कुछ अलग ही चल रहे हैं आप, सही है, वो करना है। और उसके बाद आपने जज करना है कि आप कुछ कर पा रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं या कुछ भी नहीं कर पा रहे, सही है। बेस्ड ऑन दोस आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, सही, स्कूल के पोर्टल पे, एक बात, सही है। दूसरी बात ये जो आपको क्या कहते हैं, मैं ये सब बता रहा हूँ वो आप रो पेपर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, सही है। अभी हम सर्कल प्रॉपर्टीज पे नहीं गए और अभी हमें जाना भी नहीं, बिकॉज वी वांट आवर फाउंडेशन टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ ताकि हम अगले टॉपिक्स पढ़ सकें। Hopefully in a like next class or maybe next class after the next class हम वो कर लेंगे, सही। in about like 2-3 classes we are going to start off with our official new topic, but before that we need revision, सही है। तो revision के लिए आपको ये सब चीजें करनी है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि some people are regular, some are not। जो regular नहीं है आप
आप लोग उनको कोऑर्डिनेट करके इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये चल रहा है क्लासेस में, सही, या कोई एक आध बंदा मिस आउट हो जाता है अक्सर, तो उसमें आप ये सारी चीजें उनको डिस्कस कर सकते हैं उनके साथ। ठीक, रही बात आपके उसके क्या कहते हैं टॉपिक्स की, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो अभी आप मुझसे जल्दी पूछ लें, भले चैट में पूछ लें या फिर आप माइक ऑन कर लें, क्योंकि अभी माइक ऑन किसी का हुआ नहीं है, तो उसके हिसाब से। हाँ वनीषा, आपको कुछ क्वेश्चन है? वनीषा आप चैट पर भी लिख सकती हैं, इफ आई एम लाइक नॉट एबल टू हियर यू। किसी को कुछ क्वेश्चन है रिगार्डिंग द प्रीवियस थिंग? एनीवन लाइक हु हैज एनी क्वेश्चंस? अच्छा सही, ओके Pfizer, so you were not in the grade 10 thing. सही, चले ठीक है, सही है, सही है, सही है, ठीक है। मतलब I'll take like one or two more classes for the revision, right? Because revision is extremely important. ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अभी हल्का सा क्विक सा रिवीजन में देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि जो पिछली क्लास में हमने परसेंटेजेस वगैरह चीजें की थी ना यूनिटरी मेथड के रिलेवेंट के हिसाब से, उसी हिसाब से मैं अभी आपको उसी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए ये सब तो आप लोग समझ चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फ्रैक्शन एंड फैक्टराइजेशन। देखें फ्रैक्शंस क्या होते थे, कोई गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू होता था, सही है। अब वो गिवन वैल्यू ज्यादा हो जाती थी, ऊपर वाली वैल्यू ज्यादा हो जाती थी और नीचे वाली वैल्यू कम हो जाती थी, तो हम उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते थे, उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में ले आते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5/2, तो हम क्या करते थे, 2 होल नंबर 1/2 लिखते थे, सही। तो उसी तरह से फ्रैक्शंस की पूरी कहानी आप लोग लिस्ट डाउन कर लीजिएगा कि मैंने आपको किस तरह समझाया था फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस होते क्या हैं, उनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन किस तरह से हो रही थी, एलसीएम हम लोग किस तरह से ले रहे थे। एलसीएम वाली बात आपको याद होनी चाहिए। अच्छा फाइजर स्पेसिफिकली यू, मैंने आपकी क्लास में एलसीएम लेना बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। इफ यू गाइस रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर्स जब होते हैं तो उसमें एलसीएम किस तरह लेते हैं, नॉन प्राइम नंबर्स होते हैं उसमें एलसीएम किस तरह लेते हैं, कोई दो नंबर एक दूसरे के फैक्टर होते हैं फिर उनका एलसीएम किस तरह से ले रहे होते हैं हम लोग। ये वाली बात याद है फाइजर आपको? अगर याद तो बता दीजिए, आप चैट में बता दीजिए। बाकी लोगों को भी मैंने कराया था फ्रैक्शंस वगैरह ये एलसीएम के थ्रू, बिकॉज हमारी क्लास सिर्फ हफ्ते में एक दिन होती थी और वो भी लाइक 30-35 मिनट्स की होती थी,
सही है रफली, तो फिर इसलिए मैं आपको उसमें शायद ज्यादा समझा नहीं पाया हूँ शायद, आई डोंट नो। लेकिन मैंने आपको मिड टर्म से पहले पहले सारे टॉपिक्स रिवीजन करवाए थे, ये तो मुझे याद है कंफर्म। ठीक है। अच्छा फायजा, आप एक काम कर सकती हैं, आप इन जितने भी आपके क्लास फेलोज हैं उनको आप जो फ्रैक्शन वगैरह की जो मैंने आपको पूरे नोट्स वगैरह लिखवाए थे वो आप इन सबको पिक्चर लेके या तो आप इधर सेंड कर लीजिए या फिर आप जो क्या कहते हैं पोर्टल है वो सेंड कर दें, या आप मुझे सेंड कर दें ताकि मैं सबको पोर्टल के थ्रू सेंड करवा दूँ। सही है, समझ आई भाई साहब? ये बात समझ में आ गई फायजा आपके, कि आपकी जो भी वो रिवीजन वाली जो क्या कहते हैं नोटबुक थी ओवन की ही भले, तो उसके अंदर आप जो है वो सारी चीजें चेक करवा दें मुझे, या आप मुझे पिक्चर वगैरह सेंड कर दें, मैं फिर इन लोगों को बाकी लोगों को सेंड कर दूंगा पोर्टल के थ्रू पिक्चर ताकि सबको मिल जाए। ठीक है, हाँ हाँ जी, थैंक यू, आप मुझे सेंड कर दीजिए। ठीक है, ताकि ना सब लोग क्लास के जितने भी लोग हैं सब लोग एक ही पेज पे चलना शुरू हो जाए ना, कि भाई अब जैसे हम लोग चल ही रहे हैं तो सही है, तो फिर अब देखना पड़ेगा किस तरह से कहानी है क्या है। अच्छा सही, मलाइका आज नहीं आई शायद क्लास में, राइट? आप लोग ये करें सारे जितने भी है, उसके बाद फिर देखें मैं आप लोगों को और आगे फिर इंशाल्लाह होमवर्क वगैरह भी देता हूँ, फिर हम फुल फ्लैश तरीके से क्लासेस भी स्टार्ट कर लेंगे ताकि ना मतलब हमारा फिर टाइम इफेक्टिवली यूज हो। अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ पिछला रिवाइज और पिछले की बातें कर रहे हैं, ताकि अब हम आगे फास्ट फॉरवर्ड चलें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब आप लोग की ऑफिशियली जो है क्लास है ओवन की, उसमें मतलब ये है कि जरूरी है। अच्छा और मैं क्या कह रहा था जी, तो आप लोगों को देखें रफली इन दिस एक देखिए इन दिस ईयर You have to cover 22 topics with their subtopics। सही है, तो अगर 22 को देखा जाए तो अगर फर्ज करें हम एक टॉपिक कवर कर रहे हैं एक हफ्ते में, फॉर इंस्टेंस सही, वन टॉपिक पर वीक, तो ये हमारे हो जाएंगे 22 वीक्स। ठीक है, व्हिच इज इक्विवेलेंट टू ट्वेंटी 4। सही है, व्हिच इज अराउंड लाइक बताइए आप लोग कितना होता है, कोई भी बता दे। यस राइट, 5.5। सही है, 5.5 मंथ्स है। सही, अब 5.5 मंथ्स का मतलब ये है कि रफली अराउंड लाइक वी हैव लाइक 6 मंथ्स। सही, तो वी हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। सही, अब एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम का मतलब ये नहीं है कि हम टाइम वेस्ट करेंगे, हम टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करेंगे। सही है, अच्छा अब टाइम को प्रोडक्टिवली यूज करने का क्या मकसद है? मकसद ये है कि हम जितने भी टॉपिक्स करेंगे हम पहले उन टॉपिक्स के रिवीजन करेंगे, उन टॉपिक्स के बेसिक क्वेश्चंस करेंगे आपकी D1 D2 की जो भी बुक्स होती है उससे, या फिर वर्क बुक से, जैसे ये मेरी प्रैक्टिस रही है आप लोगों को वर्क बुक से क्वेश्चन कराने की। सही, क्योंकि उसके अंदर एक बंच ऑफ क्वेश्चन होते हैं सीरीज वाइज होते हैं क्वेश्चन, ताकि आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इसमें इसी तरह की कुछ कहानी चलेगी
और उसी रेफरेंस से जब आपको वो टॉपिक समझ में आता है फिर हम जंप करते हैं पास्ट रिपोर्ट्स के ऊपर। जैसे कि आप लोगों को पता होगा मेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये रहती है कि मैं पहले टॉपिक समझाता हूँ, टॉपिक के बाद फिर मैं आपको उसके बेसिक क्वेश्चंस कराता हूँ, उसके अंदर बेसिक क्वेश्चन के अंदर एडवांस क्वेश्चन होते हैं, सही है, उसके बाद मैं आप लोगों को वो करवाता हूँ क्या कहते हैं व्हाट डस दिस सी, टाइम रन आउट हो रहा है पता नहीं। उसके खुद से पहले मैंने सेल्फ डिवेलप क्वेश्चंस करा दिए ऑन क्लास रैंडमली, सही है, उसके बाद मैंने आपको वर्कबुक के या फिर बुक के क्वेश्चंस कराए थोड़े बहुत जो कि बेसिक क्वेश्चन होंगे ताकि आपको उसका टॉपिक का आइडिया हो जाए। Then I jump into past papers. ये मेरी standard practice रही है, सही है? यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई? मैं जरा अपनी standard practice लिख के दिखा दूँ आप लोगों को। My standard, सही है? वो क्या रही है? Topic understanding. सही है, उसके बाद आपके बेसिक एंड एडवांस्ड क्वेश्चंस फ्रॉम वर्कबुक, देन पास्ट पेपर क्वेश्चंस, सही है, ये मेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस रही है। ठीक हो गया, अब आपको अगर इसमें कोई इशू है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो भी आप बता सकते हैं, सही है, ये मेरी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस सही है पहले भी और अभी भी। देखें टॉपिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, बेसिक एंड एडवांस क्वेश्चन फ्रॉम माय बुक हो गया और पास्ट पेपर क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसके थ्रू अब मैं क्लास थोड़ी सी कंक्लूड करूंगा, वो ये कि अब आपने ये चेक करना है कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, आपको कितना टॉपिक आता है, तो हम नेक्स्ट क्लास में आपकी हल्की बुल्की क्वेरीज अगर हुई तो वो डिस्कस कर लूंगा मैं, उसके बाद मैं टॉपिक्स को दोबारा से रिवाइज करना शुरू कर दूंगा जो कि मुझे पता है कि आप लोगों को जरूरत है, जो पिछले प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, सही है, उसमें मैं कर लूंगा। अब जी 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 वर्कबुक जो वो डी थी, ऑब्वियसली आपकी जो डी की बुक्स है उन सारी की वर्कबुक्स है। अब वर्कबुक्स अगर नहीं मिलेंगे तो कोई मसला नहीं, आई विल गो टू द स्कूल एंड देन आई विल पिक दोस वर्कबुक्स और फिर मैं आपको उसमें होमवर्क डिजाइन कर दे दूंगा, सही है, पिक्चर्स खींच के पीडीएफ वगैरह बना के वो तो दैट्स लाइक नॉट एन इशू, वो कर लूंगा। नहीं कर सका वो तो फिर आप लोग खुद से ये कर लीजिएगा कि भाई पासवर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा, क्योंकि वो जो मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए हैं वो आप पासवर्ड के क्वेश्चन कर सकते हैं, सही है, इस तरह की मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चंस या टॉपिक्स करा चुका हूँ, सही, यहाँ तक बात समझ में आ गई सबके भाई। अब कंक्लूड इस तरह करते हैं क्लास को कि मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस किए मैं आप लोगों ने वो डिस्कस करूंगा, सही है, और मैं एक वर्कशीट भी अपलोड कर दूंगा ताकि उसमें से आप जितने क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है आप उसमें से कुछ क्वेश्चन कर सकते हो नहीं कर सकते हो, सही है, तो उसमें से मैं आपको सारे जो है ना क्वेश्चन वगैरह सब समझा दूंगा, सही, वो हो गया। उसके बाद फिर मैं आपकी क्लासेस को क्या कहते हैं नए टॉपिक्स के थ्रू लेके जाऊंगा, व्हेन आई लाइक टेक योर क्लासेस इन द नेक्स्ट टॉपिक वाइज, तो फिर इंशाल्लाह सर्कल प्रॉपर्टीज के साथ साथ हम एक दो टॉपिक और कंप्लीट कर लेंगे, सही है, एंड देन विच इंक्लूड्स लाइक बार ग्राफ्स वगैरह हो गए या स्टेटिस्टिक्स करने, क्योंकि वो एक बड़ा मेजर पोर्शन है जो कि लोग एंड में छोड़ते थे, एंड के लिए छोड़ते थे और फिर वो एंड के अंदर बहुत ही ज्यादा खिचड़ी हो जाती, तो उसको भी बस हल्के पल्के दो दो तीन तीन लाइन की अंडरलाइन एक प्रैक्टिस है, भाई अगर ऐसा हो जाएगा तो इसको बार ग्राफ कह देंगे, अगर ऐसा हो जाएगा तो उसको हिस्टोग्राम कह देंगे, अगर ऐसा हो जाएगा तो उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कह देंगे, बस इस तरह की कोई बात है एक ही चीज उसको डिफाइन करने के तीन तीन मेथड्स हैं, उसमें आपको मैं समझा दूंगा कि मैं किस तरह से करता है, सही है,
तो इंशाल्लाह फिर हम जो है सर्किल प्रॉपर्टीज तो कर ही लेंगे, उसके साथ साथ हम फिर उसके फिर हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे, और मैंने वर्कशीट वगैरह भी अपलोड की है वो भी कर लेंगे, और फिर हम वो कर लेंगे स्टैटिस्टिक्स कर लेंगे, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक मेजर पार्ट है, बहुत ज़्यादा आता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, सही है, अनलाइक ट्रिग्नोमेट्री जिसके अंदर सिर्फ दो तीन कॉन्सेप्ट के थ्रू आपकी जो भी है थियोरी चल रही थी, उससे एक ही चीज़ को कई तरह से रिप्रेजेंट करने के मेथड है, सही है, डेटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं उसको, बेसिकली स्टैटिस्टिक्स को डेटा रिप्रेजेंटेशन के, सही है, एंड डेटा एनालिसिस कहते हैं। चले फिर आज की क्लास हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है, इफ यू हैव लाइक एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, या ऑल गुड, आप चैट लिख दें ऑल गुड, ताकि हम क्लास को वाइंड अप कर लें। ठीक है जी, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू फायजा, थैंक यू उवेस, थैंक यू अलीशा, ठीक है, ऑल गुड, ओके, ऑल गुड फ्रॉम योर साइड। ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ओके थैंक यू अजमेर, चले ठीक है ठीक है, ओके, गुड लक विद योर मैथ एंड अदर सब्जेक्ट्स, सही है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बट यू हैव टू डू द होमवर्क डिजाइन टू यू, सही है, सही है, ओके भाई, अल्लाह हाफिज़।